तो आज हम बहुत ही क्यूट DIY बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, झटपट से बहुत आसान है बनाना, तो आप लोग भी बिल्कुल बनाइए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दियास क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट। मैं हूं मेघा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो इस DIY के लिए सबसे पहले मैंने वाटर बॉटल जो मंगाते हैं ना, उसका कार्डबोर्ड था, मैंने वो लिया और सभी का दोनों का शेप कट कर लिया है। और मैं 4 पीसेज बना रही हूँ, 2 पांडा का और 2 कैटी का मैंने पेयर बनाया है। तो ये देखिए, मैंने शेप कट कर लिया और ये हमारा बेस हो गया। और अब हम पुट्टी पाउडर लेंगे और पुट्टी पाउडर में थोड़ा थोड़ा वाटर हमें मिलाना है और मिलाने के बाद इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और इस थिक पेस्ट में को हम दो पार्ट में सेपरेट करी हूँ। एक में मैं थोड़ा सा रेड कलर मिक्स की हूँ ताकि ये पिंक हो जाए आगे सूखने के बाद, और एक वाइट ही रहने दूंगी मैं। तो ये जो पिंक वाला है, इसका यूज़ मैं कैटी पे करूँगी। तो मैं इन दोनों को, अच्छा इसके पहले मैं होल कर ले रही हूँ। इस होल का मैं बताऊँगी आपको बाद में कि क्या यूज़ है इसका। तो कैटी में मैंने दोनों कैटी में मैं 5 होल की हूँ और पांडा में मैं 2 होल करी हूँ। तो इन ये सभी को मैं शार्प ऑब्जेक्ट से होल कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो। और अब हम इस पर पेस्ट लगाएंगे। तो कैटी पे मैं पिंक कलर का पेस्ट लगाने वाली हूँ, तो ये वाला मैं लगा लूँगी और बहुत अच्छे से लगाना है क्योंकि कार्डबोर्ड हमारा बेस है और ऊपर से हमें पुट्टी पेस्ट ही लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है, तो बनने के बाद आप देखिए कि कितना क्यूट लगता है, सच में बहुत क्यूट लगता है। तो आप इसे बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप इसे बच्चों के टेबल, स्टडी टेबल के पास भी रख सकते हैं, एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, गोदरेज में भी लगा सकते हैं, इतना क्यूट लगता है ना कि। और ये देखिए, हमारा सारा पूरा हो गया। एज अ डेकोरेटिव आइटम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं पांडा में लगा रही हूँ और सूखने के बाद ना, जब ये थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा ना, तो हम इसमें होल कर लेंगे ठीक से और फिर इसे सूखने देंगे। और फिर इसे हम हल्का सा रब करेंगे, ज़्यादा नहीं, सैंड पेपर से। और मैंने क्लीन कर लिया और अब देखिए सूखने के बाद ये कलर कैसा हो गया। और अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पांडा का तो आप भी जानते हैं कि ब्लैक कलर से इसका करना होता है, तो मैंने ब्लैक कलर से इसके हैंड बनाए हैं और फेस भी थोड़ा मैं बनाऊँगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है बनाना। हमें सिर्फ शेप देना है इस पर, पूरे बॉडी पर हमें कोई पेंट नहीं करना है क्योंकि वाइट कलर तो ऑलरेडी ये है। और कैटी का भी हमने पिंक बनाया है, तो उस पर भी हमें सिर्फ शेप देना है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे थोड़ा कर्व होता है ना, तो इस तरह से मैंने राउंड करके किया है। और अब मैं इसका नोज़, माउथ, आईज़, ये सब मैं बना रही हूँ। तो ये इसका फेस हो गया। और फिर हम इसका ईयर भी पेंट कर लेंगे। ईयर भी इसका ब्लैक होता है, तो उसे भी हमें पेंट कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने दोनों को किया है और उसके भी मैं ईयर पेंट कर लूँगी। और इसके फेस पे, आईज़ पे थोड़ा सा वाइट मैंने देखा है अक्सर के इस टाइप का बना होता है, तो मैं भी इसे बना दे रही हूँ। और ये मैंने कैटी का करा है, ये देखिए। तो इसके मैं मूंछ बना दे रही हूँ और इनके आँख जो है ना, आँख के अंदर हमें ब्लैक करना है, ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ अंदर ही जहाँ पर हमने होल किया था, और नोज़ में। तो ये तीनों इसके आँख, नाक और मूंछ हो गए हैं, तो इसी में हमें ब्लैक कलर का करना है। और मैं थोड़ा इस पर इसका ये डेकोरेट कर दे रही हूँ इसे थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा मैं हार्ट बना दे रही हूँ। देखिए, ये बनाने के बाद ना पेयर में अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसे। अब मेरा बेटा तो इतना, मतलब इसका जो मैं बनाऊंगी ना, सबसे अच्छा बच्चों को वही लगता है जो मैं इसमें अभी बनाने वाली हूँ। और अब मैं ये थ्रेड ले रही हूँ, तो इस थ्रेड को ही हमें यूज़ करना है। इसे एक होल से डालकर और दूसरे होल से बाहर निकाल लेना है। तो इधर से मैं डाल रही हूँ और दूसरे होल से मैं निकाल लूँगी, तो इसीलिए मैंने चारों में ये होल किया है। इसे सेम साइज़ का रखना है, हमें दोनों थ्रेड को सेम साइज़ का रखना है, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। ये देखिए, सेम साइज़ में मैं कट कर लूँगी
और ये मैं बीट्स बनाई हूँ। मैं तो जब भी मेरे पुट्टी डो वगैरह बचते हैं ना तो मैं बीट्स बना लेती हूँ, उसे ही इसमें डालना है। और ये देखिए नीचे हमें नॉट्स लगा देना है जिससे कि वो बीट्स गिरे नहीं। मैं पुट्टी डो और बीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ। तो बीट्स आप बना लीजिएगा, अगर आप नहीं बनाएं तो मार्केट से भी आप बीट्स ले सकते हैं। तो इसमें मैंने रेड कलर का बीट्स डाला है, तो ये देखिए ये हो गया ना, अब ये हमारा बन गया। और अब दूसरे में मैं रेड कलर का नहीं डाल रही हूँ, दूसरे में मैं ये देखिए, ये देखिए हमारा कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये मैं वाइट इसमें डालूँगी, तो ये हमारा एक पेयर बनकर रेडी हो गया। और इसमें भी हमें नॉट्स लगा देना है, तो ये नॉट्स में लगा दूँगी। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। और अब आप देखिए, देखिए तो दोनों पेयर कितना क्यूट लग रहा है ना। और आप ना इसे फ्रिज में अगर लगाना हो तो, ये मेरे बेटे के टॉय का मैग्नेट था तो मैंने इसे ही यूज़ किया है, नहीं तो आप डबल साइडेड सेलो टेप भी लगा सकते हो। और ये देखिए हैंग करने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो आप इसे अपने बच्चों के स्टडी रूम में भी लगा सकते हैं। और ये मैं वार्निश लाई हूँ, तो इसका मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 250 रुपये का मुझे मिला, मैंने ऑनलाइन मंगाया है इसे। तो ये देखिए वार्निश लगाने के बाद का और ये पहले का। तो मुझे तो बिना वार्निश लगाए ही ज़्यादा कलर इसका अच्छा लग रहा है। ये देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर करने वाले हैं तो एडवांस में थैंक यू। मोर वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।